Hello everyone, welcome to web designing and web development tutorial. This is your class number 4. आज के इस क्लास का ट्यूटोरियल है हमारा टेबल के कुछ नए एट्रीब्यूट्स को सीखना. टेबल एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वेब डिज़ाइनिंग का, HTML का, क्योंकि नॉर्मली अगर इंफॉर्मेशन आपको इजीली प्रोवाइड करनी होती है तो उसके लिए आप मेथड चुनते हैं टेबल्स का. जैसे आप लोग देखते होंगे वेबसाइट्स पे, अगर आपने कोई कंपटीशन दिया है उसका रिजल्ट आपका आपका नेम जो है वो टेबल फॉर्मेट में लिस्टेड होता है. तो इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन जब इजीली प्रोवाइड करनी होती है एक सिस्टमेटिक वे में, तो हम यूज़ करते हैं HTML में टेबल्स. यानी एक टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ओवरऑल वेबसाइट्स में यूज़ करने के लिए. तो इसलिए हमने इसकी एक सेकेंड क्लास ऑर्गेनाइज की है, ताकि इस वाली क्लास में हम कुछ डिफरेंट लेआउट्स के साथ में काम कर सकें. तो आज हम सीखने वाले हैं फाइनली दो नए एट्रीब्यूट्स, TD और TH एलिमेंट के. अब देखें, आपके सामने एक टेबल लेआउट खुला हुआ है. अगर आप आर्स नाम के रो को देखें तो इस रो ने पूरी 6 रोज के बराबर स्पेस घेरा हुआ है. इसका मतलब हमने जब इस सेल को मर्ज किया तो इसके लिए 6 रोज यूज हुई हैं. तो ये चीज़ कहलाती है हमारी रो स्पैन. रो स्पैन की वैल्यू यहाँ पे 6 है. तो इसी तरह से अगर आप लंच वाले कॉलम को देखें तो ये पूरे 5 कॉलम्स के बराबर है. यानी हमें लंच वाले कॉलम को बनाने के लिए 5 कॉलम्स को मर्ज करना पड़ा. तो ये चीज़ हमारी कहलाती है कॉल स्पैन. यानी जब हम कॉलम्स को मर्ज करेंगे तो ये चीज़ कहलाएगी कॉल स्पैन, और जब आप रोज को मर्ज करेंगे तो ये चीज़ कहलाएगी रो स्पैन. अब देखें किस तरह से लंच वाले कॉलम ने ये 5 कॉलम्स को मर्ज किया हुआ है. इसी टाइप से अगर रो स्पैन को देखें तो इसने 6 रोज के बराबर एक रो बनाई बना दी हमारी. तो यही हमारे दो नए एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम आज कोड करना सीखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं एक बहुत छोटी टेबल से. देखिए, इस तरह की टेबल हमें बनानी है तो उसके लिए हमें क्या कोडिंग करनी होगी. टेबल बॉर्डर तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, इसके साथ में आप चाहें तो डीजी कलर भी दे सकते हैं. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे TR. अब देखिए, इस टेबल को गौर से देखें. जो एज वाला, एज के नीचे जो सेल है वो हमारी 2 रोज के बराबर है. इसका मतलब रो स्पैन वैल्यू यहाँ पर 2 होगी. तो इस छोटी सी टेबल को मैं जल्दी से कोड कर लेती हूँ. तो हमें इस पॉइंट पर रुककर TD एलिमेंट के साथ यूज करना होगा रो स्पैन इज इक्वल टू, यहाँ हम देखेंगे कि एक रो हमारी कितनी रोज को मर्ज कर रही है. तो यहाँ पे अजय और प्रिया 2 सेल्स हैं जिनको ये मर्ज कर रही है, तो रो स्पैन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2. तो यहाँ वैल्यू लिखी हुई है टेबल की 24, तो मैंने यहाँ लिख दिया 24. एज यूजुअल हम क्लोज करेंगे TD एंड PR. एक लाइन क्योंकि इसमें और एडिट है तो वो भी हम यहाँ कोड कर देते हैं. क्योंकि ऊपर वाले सेल ने ऑलरेडी नीचे वाली रो को भी कवर किया है तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही बार TD लिखना है और TR हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे. क्योंकि टेबल भी एंड हो रही है तो मैंने यहाँ पर टेबल भी क्लोज कर दिया. सेव करके चेंजेस देखते हैं. तो देखिए, हमने सेम टेबल यहाँ पे बना दी है. तो ये था हमारा रो स्पैन का एग्जाम्पल. कॉलम स्पैन का एग्जाम्पल देखते हैं हम. हमें ड्रॉ करनी है सेम टेबल. देखिए, यहाँ पर एक कॉलम को मर्ज किया गया है 2 कॉलम्स. तो यहाँ आप लिख देंगे PR एंड TH स्पेस कॉल स्पैन. कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम्स को मर्ज किया गया है. एक्सपेंसेस मैंने यहाँ डाल दिया, देन TH क्लोज. तो यहाँ हम बंद कर देंगे डायरेक्टली TR, क्योंकि हमारा ये वाला कॉलम ऑलरेडी डिवाइडेड है 2 कॉलम्स. जब आप दूसरी रो स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे TR जैसा आप लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे सिंपली. TD के बाद हम देख लेते हैं, यहाँ कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं. TD क्लोज, तो यहाँ मैंने TD क्लोज कर दिया एंड देन TR क्लोज कर दिया. सेम रो को मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ. तो ये था हमारा कॉलम स्पैन. देख लेते हैं इसका आउटपुट.
देखिए इस तरह मैंने कॉलम को यहाँ पे मर्ज कर दिया है। थोड़ी सी सेल स्पेडिंग बढ़ाकर हम उस टेबल के लेआउट को देख लेते हैं। तो देखिए बेसिकली यही डिफरेंस होता है, जब आप रोज को मर्ज कर रहे होते हैं तो आप यूज करेंगे रोज स्पैन, जब आप कॉलम्स को मर्ज कर रहे होते हैं देन यू विल यूज कॉल स्पैन। तो ये था बहुत ज़्यादा इजी एग्जांपल से रो स्पैन और कॉलम स्पैन टेबल्स में यूज करना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग उसकी प्रैक्टिस करके देखें, डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स की टेबल्स यूज करें और मजबूत करें अपने कोडिंग स्किल्स। आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम कुछ न्यू एलिमेंट्स के साथ में लाइक इमेजेस, ऑडियोज एंड वीडियोज। Till then, do lots of practice and share this video. Thank you very much.